वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज से हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फाइनल अकाउंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स विदाउट एडजस्टमेंट। कहने का मतलब है ये जो फाइनल अकाउंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो चैप्टर है, ये दो चैप्टर है, एक है आपका विदाउट एडजस्टमेंट और एक क्या है आपका विथ एडजस्टमेंट। जब हम लोग विदाउट एडजस्टमेंट वाला पढ़ लेंगे राइट, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट, क्योंकि जब तक विदाउट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको विथ एडजस्टमेंट वाला समझ में नहीं आएगा। और ये क्लास 11 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जो कि एकदम क्या है सिंपल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये जो आपका चैप्टर है इससे क्या होता है, थोड़ा सा वो क्या करते हैं, घबराते हैं। ये चैप्टर बिल्कुल क्या सिंपल है, बिल्कुल ये सही बात है। हाँ, थोड़ा सा क्या होता है इसमें टाइम ज्यादा लगता है। इस चैप्टर को बनाने से रिलेटेड आपको दो तीन बात समझना पड़ेगा। पहला पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए। ये मैगी नहीं है कि आपका दो मिनट्स में बन जाएगा, और मैगी भी दो मिनट्स में नहीं बनता है, उसमें भी पाँच से सात मिनट्स लगता है। तो इसमें क्या चाहिए आपको, पेशेंस। आपको आराम से क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम करना पड़ता है। ये आपका इंस्टेंट आपका सॉल्व होने वाला चैप्टर नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या होना चाहिए, पैशनेशन, पूरा जुनून डेडिकेशन के साथ क्या होगा इस चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, जो एकदम क्या है आपका सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते किसको है, राइट। तो ध्यान सुनिए, बोलता है बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए जो जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं एक पार्टिकुलर पीरियड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक बार फिर से सुनिए, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता क्या है, सभी का जिक्र करूंगा आने वाले वीडियोज में, आप धीरे धीरे क्या करेंगे पूरा वीडियोस देखते हुए चले जाएंगे। तो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, अब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए, जानने के लिए जो जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। देखिए, मैं आपको समझाने के लिए एकदम सिंपल सा मैंने क्या किया है, एक लैंग्वेज के तौर पर लिख के समझाने का कोशिश किया है। देखिए क्या बोलता है, मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो बोलता है क्या है, दोस टाइप्स ऑफ accounts and statement which are prepared for find the gross profit or gross loss। मतलब बोलता क्या है, those types of accounts and statement, वे सभी खाते या विवरण जो बनाए जाते हैं gross profit या gross loss, net profit या net loss, मतलब सकल लाभ सकल हानि, आपका शुद्ध लाभ शुद्ध हानि को जानने के लिए, और साथ में क्या, financial position of the बिजनेस अ पार्टिकुलर पीरियड, मतलब फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, एसेट से कितना, लोन लायबिलिटीज, कैपिटल रिजर्व्स, ये सब को जानने के लिए एक पार्टिकुलर डेट को जो हम लोग आपका स्टेटमेंट बनाते हैं, दोज अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट आर कॉल्ड क्या कहलाता है, फाइनल अकाउंट्स, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि वो सभी खाते हैं और आपका स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट नेट लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए एक पार्टिकुलर पीरियड में, है ना, सारे अकाउंट्स और स्टेटमेंट क्या कहलाते हैं, मेरा फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। अब यहां पे एक बात तो क्लियर हो गया कि हमको इसमें तीन चीज बनाना पड़ सकता है। इन द केस ऑफ सोल ट्रेड, जहां पे मालिक का संख्या एक है, आगे हम बताएंगे, तीन चीज बनाना पड़ेगा। पहला ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाएंगे, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाएंगे, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को जानने के लिए। और आपका बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए, जानने के लिए पार्टिकुलर डेट, किसी एक खास दिन में बिजनेस का एसेट्स लोन लायबिलिटीज रिजर्व्स कैपिटल कितना शो कर रहा है, इसको जानने के लिए, ठीक है। तो यहां पे देखिए आपका बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न कंसिस्ट्स द फ्लोइंग, मतलब बोलता है इन द केस ऑफ सोल ट्रेडिंग, यानी जहां पे मालिक का संख्या एक होता है वहां पर क्या क्या बनाते हैं, देख लीजिए, तीन चीज बनाना पड़ेगा आपको फाइनल अकाउंट्स के अंतर्गत। और क्लास 11th अकाउंटेंसी में आपको यही तीन चीज जनरली आपको बनाना पड़ेगा। पहला कौन सा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट, पहला कौन सा है, ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट
क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट क्या होता है, सब बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। देखिए बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, बोलता है ट्रेडिंग अकाउंट इट शोस ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस एंटिटी फॉर अ गिवन पीरियड। मतलब एक निश्चित अवधि में, जनरली आपका एक साल का डेटा हो सकता है, 6 मंथ्स का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है, तो 1 साल 6 मंथ्स 3 मंथ्स का आपका जो डेटा दिया हुआ है उसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए जो अकाउंट बनाएंगे उस हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट। यानी एक बात तो कंफर्म हो गया कि ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है जी। दूसरा कौन सा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा कौन सा है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात, बैकग्राउंड में थोड़ा डॉग्स बार्किंग का आवाज आ रहा होगा और थोड़ा सा आपका और भी आपका आवाज आ रहा होगा, उसको थोड़ा सा क्या करेंगे आप एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं, इट शोस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी बिजनेस का शुद्ध लाभ शुद्ध हानि को जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उसे हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और उसके बाद कौन सा है मेरा, बैलेंस शीट। देखिए ध्यान से, इट इज अ समरी ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। डेट बोल रहा है, याद रखिएगा, यानी जो बैलेंस शीट है किसी पर्टिकुलर डेट को आपका फाइनेंशियल पोजीशन, और फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या, असेट्स, लोन, लायबिलिटीज, रिजर्व्स, कैपिटल्स, राइट, ये सब क्या कहलाता है, फाइनेंशियल पोजीशन। तो किसी पर्टिकुलर डेट को बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए जो हम लोग स्टेटमेंट बनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हम लोग फाइनल अकाउंट में कितने चीज़ बनाते हैं, 3 चीज़ बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिजनेस का नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को फाइंड आउट करने के लिए, बैलेंस शीट बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन को जानने के लिए पार्टिकुलर डेट में, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ जब बनाते हैं ना तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खाते, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा अकाउंटिंग साइकिल, क्या समझाना चाहूंगा, अकाउंटिंग साइकिल, आपका अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है या अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है। पहले ये समझे थोड़ा सा कि प्रोसेस किसे कहते हैं, प्रोसेस मतलब क्या होता है, प्रक्रिया, मतलब कोई काम जहां से शुरू होगा फिर खत्म होगा और फिर वहीं से क्या होगा, शुरू होगा और लगातार बार बार वो चलते रहता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मॉर्निंग हुआ, सुबह हुआ, दोपहर, शाम, रात, फिर सुबह, फिर आपका क्या हुआ, आपका दोपहर, आपका शाम, रात, फिर सुबह, फिर आपका वही दोपहर, शाम, रात, सुबह, मतलब आपका उस जो आपका साइकिल है वो चलते रहेगा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका साइकिल, ठीक है। कोई भी काम जहाँ से खत्म हुआ वहीं से शुरू होगा और लगातार बार बार चलते रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल या प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे आपका अकाउंटिंग साइकिल। देखिए आपका अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स की सहायता से ट्रांजेक्शन होगा, उस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जर्नल में। जर्नल की सहायता से क्या बनाएंगे हम लोग, लेजर। लेजर की सहायता से क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस की सहायता से क्या बनाएंगे हम लोग, फाइनल अकाउंट्स। और फाइनल अकाउंट्स के बाद फिर से आपका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, फिर जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। और यही प्रोसेस लगातार बार बार बिजनेस में क्या होता है, चलते रहता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। देखिए तो यहाँ पे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ये सब का जो है आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सभी का आपका सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। जर्नल किसे कहते हैं, क्या होता है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सभी का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वेश्चन सॉल्यूशंस का वीडियोस क्या है, अवेलेबल है। देखिए हर चैप्टर का क्या होता है, अपना एक इंपॉर्टेंट है। जैसे जर्नल, जर्नल का क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए जर्नल क्या होता है, एक आपका रजिस्टर्ड बुक होता है जिसके अंदर जितने भी तरह का जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग डे टू डे क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं। तो जिस बुक या रजिस्टर्ड में रिकॉर्ड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। अगर जर्नल नहीं रहेगा तो क्या एक दिन में बिजनेस में सैकड़ों ट्रांजेक्शन होता है सभी को याद रखना पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है, राइट। तो इसलिए आपका जर्नल रजिस्टर्ड बुक होता है जिसमें जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं डे टू डे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका जर्नल कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग, लेजर। देखिए लेजर भी क्या होता है, एक आपका रजिस्टर्ड बुक होता है जिसके अंदर जितने भी तरह का अकाउंट्स हैं
सभी अकाउंट्स को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं सेपरेटली, कैश वाला कैश के साथ, उसका मान लेते हैं परचेज वाला परचेज के साथ, सेल्स वाला सेल्स के साथ, मैशनरी वाला मैशनरी के साथ, आपका एक्सपेंसेस वाला एक्सपेंसेस के साथ। तो सभी अकाउंट्स को सेपरेटली हम लोग जिस आपका रजिस्टर्ड या बुक्स में मेंटेन करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर। और लेजर बनाने से ये होता है कि किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है, राइट, एसेट से तो कितने का, लायबिलिटीज से तो कितने का, सभी का डेटा आपका क्या होता है, मिल जाता है, एक्सपेंसेस इनकम सभी का, ठीक है। तो लेजर का अपना एक इंपॉर्टेंस है। अब देखिए उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, इसका भी अपना एक इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, बोलता क्या है कि जर्नल से लेकर लेजर तक जो भी आपने जर्नलाइजिंग किया है, पोस्टिंग किया है, टोटलिंग किया है, बैलेंसिंग किया है, वो सही किया है या गलत, राइट, वो सही किया है या गलत, ये जानने के लिए जो स्टेटमेंट बनाते हैं पार्टिकुलर डेट को, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रायल बैलेंस। और एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, सभी का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बन गया। अब ट्रायल बैलेंस की सहायता से क्या बनाएंगे हम लोग, फाइनल अकाउंट्स। देखिए बिजनेसमैन है, वो जानना चाहता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है, मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा है, मेरा बिजनेस का फाइनेंशियल पोजिशन कैसा है, जानना चाहेगा ना कोई भी बिजनेसमैन। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बिजनेस करते चला जाएगा, बिजनेस कर रहा है कुछ पता ही नहीं है, प्रॉफिट में जा रहा है लॉस में जा रहा है, ठीक है। तो उसी को बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइनेंशियल पोजीशंस को जानने के लिए जो जो अकाउंट्स और स्टेटमेंट्स बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे और यही आपका प्रोसेस लगातार बिजनेस में बार बार चलते रहता है, ठीक है। तो आज मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने बताया फाइनल अकाउंट्स किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, एक्सपेंसेस, राइट, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एक्सपेंसेस का काइंड्स। एक्सपेंसेस को सबसे पहले दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी तीन भागों में कैटेगराइज किया गया है, ऑफिस एंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस और फिनांस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक्सपेंसेस क्या है और उस एक्सपेंसेस में कौन कौन सा एग्जाम्पल्स आएंगे, इसका कॉन्सेप्ट करना अति आवश्यक हो जाता है। जब ये आप जान जाएंगे तो आप ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट में आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ट्रायल बैलेंस में जितने भी आपका अकाउंट्स रहेंगे, चाहे असेट्स, लोन, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, आपको एलोकेट करना है, बांटना है कि ट्रेडिंग वाला ट्रेडिंग में जाए, पीएल वाला पीएल में जाए और बैलेंस शीट वाला बैलेंस शीट में जाए। तो आपको एलोकेट करना है। तो ट्रेडिंग के डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं, बैलेंस शीट के असेट साइड में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखते हैं। तो पहले जानेंगे तब तो कि डायरेक्ट वाला कौन कौन सा आइटम होता है, इनडायरेक्ट वाला कौन कौन सा आइटम होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला कौन कौन सा आइटम्स होता है, ये जानेंगे तब तो आप लोकेट कर पाएंगे। देखिए ट्रेडिंग का फॉर्मेट बताएंगे तुरंत क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ट्रेडिंग पीएल या बैलेंस शीट, लेकिन मेरा ये सोच है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एक्सपेंसेस क्या होता है, कौन कौन सा एक्सपेंसेस में कौन कौन सा आपका एग्जांपल्स आता है, ट्रेडिंग पीएल का फॉर्मेट बताऊंगा, सारे क्वेश्चंस मैं आपको क्या करूंगा सॉल्व करके बता दूंगा, राइट। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो, आज का क्लास यही करते हैं, थैंक यू।